फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस करंट अफेयर डिकोडेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेबी इज ब्रिंगिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन द सेटलमेंट प्रोसेस। ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग दैट वन आवर सेटलमेंट विल टेक प्लेस थ्रू यू कैन से वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री में जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है, उन स्टॉक एक्सचेंजेस में जो वन आवर का ट्रेड सेटलमेंट होगा, ठीक है, by the end of this fiscal year, which means by the end of March 2024. ठीक है, now you may wonder, sir, what is the meaning of this settlement? What is this, you can say, idea of one hour settlement? What is this situation across the world? Let's understand this. ठीक है, when you are doing trade on stock exchanges, so that means you are purchasing and or you are selling the stocks, you are buying or selling the stocks through stock exchanges. भारत में बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरीके से थोड़े छोटे मोटे भी है, जैसे वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो दोज आर दी स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल इन दी कंट्री। ठीक है, देयर आर सम अराउंड 22 स्टॉक एक्सचेंजेस आर अवेलेबल इन द कंट्री, और यहाँ पे ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब क्या होना, दैट यू आर परचेजिंग, यू कैन से दी शेयर्स और यू आर सेलिंग दी शेयर्स। Now when you purchase and share the sales, today you commit that I am ready to purchase 100 shares of Reliance. ठीक है, so you are ready to pay money. ठीक है, and in turn सामने वाला आपको शेयर देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट होता है, दैट इज नोन एज सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स इफ आई एम परचेजिंग, ठीक है, सो आई मस्ट गिव यू फुल मनी। ठीक है, एंड नंबर टू, यू आर सेलिंग मी शेयर्स, सो यू मस्ट गिव ऑल दी शेयर्स टू मी। ठीक है, सो दैट मेरे पास शेयर आ जाना और आपके पास पैसा आ जाना, दैट इज नोन एज सेटलमेंट। ठीक है, दैट इज नोन एज सेटलमेंट। 1993 के बाद, ठीक है, से भारत में ये सेबी को आगे बढ़ाया गया, और सेबी ने उस समय से लेकर 2001 तक वीकली सेटलमेंट करते थे, which means you are purchasing shares today, you are committing for purchasing shares today, after a week that particular stuff gets settled, which means after a week you get full money and then you are going to give shares. ठीक है, so ये पूरे process में एक वीक का टाइम लगता था, ऑब्वियसली लगने वाला था, बिकॉज उस जमाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थी नहीं, डीमैट अकाउंट था नहीं, उस जमाने में जो भी शेयर सर्टिफिकेट होते थे वो सब ऑन पेपर होते थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट होते थे, तो एक वीक का टाइम लगता था कि आपका शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, आप जहां रहते हैं वहां से आपने जिसको शेयर बेचे हैं उसके वहां पे जाए और उसके अंदर एंट्री वेंट्री हो जाए। ठीक है, तो एक वीक का टाइम लगता था। बाय 2003 we improved this system, ठीक है, and we reached to T+3 settlement. T+3, T as in T means trading day, जिस दिन आपने ट्रेड किया, plus 3 उसके तीन दिन के अंदर, so T+3, ठीक है, so for example let's say you have trading on Monday, ठीक है, plus 3 is Tuesday, Wednesday and Thursday को settlement होगा। ठीक है, then we evolved to T+2. आज की तारीख में अभी भी वर्ल्ड में देर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर गोइंग ऑन फॉर T+2, इंक्लूडिंग योर USA, UK, दे आर गोइंग फॉर T+2 सेटलमेंट। वी हैव इवॉल्व्ड, वी आर डूइंग वंडरफुली वेल, आवर सेबी इज डूइंग वंडरफुली वेल। ठीक है, दैट इज यू कैन से T+1 सेटलमेंट में हम काम करते हैं। ठीक है, T+1 विच मीन्स यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन ट्यूजडे, ठीक है, द ट्रेड गेट सेटल्ड ऑन वेडनेसडे, दैट इज T+1। जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके नेक्स्ट डे उसका सेटलमेंट होता है। ठीक है, सो हमारा सेबी बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। इंडिया के जो सिक्योरिटी लॉज है वो भी बहुत अच्छे हैं। सेबी के जो अभी चेयरमैन है, दैट इज द फर्स्ट फीमेल, यू कैन से चेयरमैन ऑफ सेबी, विच इज मादाबी पूरी बूच, ठीक है, शी इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूट इन वंडरफुली वेल मैनर। ठीक है, सो दिस T+1 का फायदा क्या है, it's a faster settlement, thereby you can say capital availability, that is money availability increases, more liquidity in the market, and thereby you can say it's a faster process. With the faster process, okay, more efficiency, operational efficiency, and thereby trade activity goes in a faster way. Now instead of going with the T+1,
ठीक है, वी आर प्लानिंग फॉर टी दैट इज ट्रेडिंग डे के अंदर विद इन वन आवर द ट्रेड गेट सेटल्ड. पॉसिबली इन फ्यूचर वी आर लुकिंग एट इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट. कैसा सोच रहे हैं हम? इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट क्या होगा? अभी मैंने आपके साथ ट्रेड करा, इमीडिएटली हमने सेटल भी कर दिया. नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ठीक है, सो नाउ वी हैव डीमैट अकाउंट. वी नो डीमैट? यस, इट इज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. सो दैट मीन्स अब शेयर का कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इन ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इट टर्न्स आउट टू बी ईजी कंफर्टेबल सिस्टम फॉर एवरी वन. ठीक है, सो नाउ यू कैन से बाई द एंड ऑफ मार्च 2024 सेबी विल कम अप विथ वन आवर ट्रेड सेटलमेंट एंड पॉसिबली इन द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू गेट यू कैन से इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना पहली बार है. ठीक है, सो दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग मॉड्यूल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. टिल देन हैप्पी लर्निंग.